मैं मंदिर के बाहर आ गई हूँ और अब मैं होटल रूम जा रही हूँ और जाके ये सारे ड्रेसेस चेंज करके मैं वापस आती हूँ और आके यहाँ की जो फेमस रथ यात्रा है जो हर रात को निकलती है, आई मीन शिवरात्रि से पहले 10 दिन तक जो निकलती है उसे देखेंगे। तो मैं जल्दी से होटल जाके ड्रेसेस चेंज करके आती हूँ। तो ये देखिए रामेश्वरम की फेमस रथ यात्रा जो कि शिवरात्रि के टाइम पे निकलती है। रामेश्वरम में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पूरे 10 दिनों तक चलने वाली इस महोत्सव में सुबह और शाम दोनों टाइम ये रथ यात्रा निकलती है। इस टाइम शिवजी, माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी संग अपने अपने रथ में सवार होकर मंदिर के बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। बेसिकली रामेश्वरम इज़ अ प्लेस वेयर शिवजी राज करते हैं। तो जो राजा होते हैं ना वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए बाहर निकलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और इस टाइम सारी प्रजागणे सारे भक्त जने आरती का थाली लेके खड़े रहते हैं प्रभु की आरती करने के लिए। इस रथ यात्रा में सबसे पहले आते हैं हमारे गज महाराज जी। माथे पे तिलक और बदन पे खूबसूरत सा चादर ओढ़ के अपने मदमस्त चाल में पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हैं और अपने सारे भक्तजनों से मिलते हैं, उनके हाथों से फल भी ग्रहण करते हैं। फिर एक एक करके आते हैं गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती संग शिव जी। ये सारे प्रभुगण अपने अपने वाहनों के साथ अपने अपने रथ पे सवार होकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा मंदिर के ईस्ट गेट से शुरू होती है और पूरी एक चक्कर काटने के बाद उसी गेट पे आके ख़त्म होती है। ये सुबह और शाम दोनों टाइम निकलती है, सुबह के कुछ 8 से 9 बजे के बीच एंड रात के भी 8 से 9 बजे के बीच। तो अगली बार आप जब भी रामेश्वरम का प्लान बनाए तो वो शिवरात्रि के टाइम पे जाए और इस भव्य रथ यात्रा की दर्शन ज़रूर करें। तीन चलेगा, आज 5 दिन का वो हो गया, आज से 5 दिन हो गया। 8 दिन से अभी 2 दिन रेडे में शिवरात्रि का मेला। गणपति जी का आएगा, गणपति जी का ब्रदर कार्तिक स्वामी मुर्गर, हम लोग का मुर्गर बोलेगा, आप लोग का कार्तिक सिंह बोलेगा ना। बाद में नंदी केश्वर आएगा, पीछे रामनाथ स्वामी वो मेन शंकर भवन आएगा, तो अगली शिवरात्रि में रामेश्वर धाम आने का प्लान जरूर बनाए और यहाँ आके इस भव्य रथ यात्रा की दर्शन करें। लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ मैंने रामेश्वर धाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, जिससे कि आप यहाँ आके बहुत ही कम खर्चे में और बिना किसी झंझट के पूरी की पूरी रामेश्वर धाम को बहुत अच्छे से और आराम से घूम सके। वैसे आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पूरी की पूरी तमिलनाडु ट्रिप के सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो अगर आप भी बहुत ही कम खर्चे में तमिलनाडु के मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो परिक्रमा ख़त्म करके मैं आ गई हूँ अग्नि तीर्थम के किनारे ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। इस छोटी सी बच्ची को देखिए, अपने पापा के साथ खूब मस्ती कर रही है। वैसे मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, अभी जल्दी जल्दी यहाँ से मुझे निकलना होगा, फिर खा पी के अपने रूम में जाना होगा क्योंकि कल सुबह सुबह 4:30 बजे मुझे जाना है स्फटिक लिंगम दर्शन के लिए। तो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ और आप सबसे मिलूँगी कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं 4:00 और मैं निकल रही हूँ स्फटिक लिंगम दर्शन करने के लिए। इसकी टाइमिंग है 4:30 से 6:30 बजे तक की, 4:30 बजे से लाइन स्टार्ट हो जाती है और 5 बजे से दर्शन शुरू हो जाती है। तो मैं 3 बजे उठ गई थी और फ्रेश होके अभी निकल रही हूँ, तो जल्दी जल्दी दर्शन करके आते हैं।
तो क्योंकि वहाँ पे फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो फ़ोन मैं रूम में ही रख के जा रही हूँ। बस निकलने से पहले आप सबको इन्फॉर्म कर दिए, और अब मैं दर्शन करके आती हूँ और आके आप सबके साथ स्फटिक लिंगम दर्शन के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो अब मिलते हैं दर्शन करने के बाद। दर्शन स्फटिक दर्शन करके, जो स्फटिक लिंगम है जो शंकराचार्य जी यहाँ लेके आए थे, उसे दर्शन करके मैं वापस आ गई हूँ। और अभी मैं पहले रूम में गई थी, वहाँ जाके ड्रेस वेस चेंज करके मैं निकल पड़ी हूँ ये समुंदर किनारे सनराइज देखने के लिए। यहाँ का सनराइज व्यू बहुत खूबसूरत है। ये शांत समुंदर के बीच में से जब सूर्यदेव निकलते हैं ना, तो एक अलग ही नज़ारा होता है। आप जब भी रामेश्वरम आए तो अग्नि तीर्थम के यहाँ बैठ के सनराइज जरूर देखें। तो अब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ मेरी स्फटिक लिंगम दर्शन की एक्सपीरियंस। तो सुबह सुबह उठ के कुछ 4:30 बजे के आसपास में मैं पहुँच गई थी मंदिर के ईस्ट गेट में, जहाँ से दर्शन के लिए लाइन शुरू होती है। वैसे यहाँ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आप सुबह सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में ज़रूर लाइन में लग जाएं, क्योंकि स्फटिक लिंगम दर्शन की जो टाइमिंग है वो 4 से 4:30 बजे के बीच में ही मंदिर के गेट ओपन हो जाते हैं, मैक्सिमम 5 बजे तक। उसकी ज़्यादा लेट अगर आप करेंगे तो दर्शन करना मुश्किल है। अब मेन गेट से एंट्री लेने के बाद ही मुझे एक काउंटर दिखा जहाँ पे टिकट मिल रही थी। तो टिकट मुझे कुछ 200 रुपीज़ पर पर्सन का पड़ा, जो कि बहुत हाई है। और मेरी माने तो ये टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्फटिक लिंगम दर्शन करने के लिए आपको मैक्सिमम आधे घंटे के लिए लाइन में लगना होगा, और टिकट लेने के बाद भी आपको कुछ 15 से 20 मिनट लाइन में लगना होगा। तो 200 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है स्फटिक लिंगम दर्शन करने के लिए। आप आधे घंटे बिना टिकट वाले लाइन में लग के बहुत अच्छे से और बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद ऐसा कोई लड्डू प्रसाद एंड ऑल का व्यवस्था नहीं था, तो दर्शन करने के बाद मैं सीधे ईस्ट गेट से ही मंदिर से बाहर आ गई। मैंने ना सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो बहुत जोर का भूख लग गया है। तो अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। छोले भटूरे, बाल्टी भर के आलू की सब्जी और जार भर के चटनी दिख रहा है आपको। मैं भूखी हूँ, ये अंकल लोगों को दिख गया था, तो उन्होंने आते ही पूरा का पूरा खाना मेरे सामने परोस दिया कि लो तो जोक से पार्ट। मैं सनराइज देखने आई थी ना, तो यहाँ पे आके सुबह से उठी हुई हूँ तो बहुत तेज की भूख लग गई थी। तो दुकान के अंदर आई तो मैंने अंकल से पूछा कि अभी अंकल गर्मा गर्म खाना क्या मिलेगा, तो उन लोगों ने बताया कि अभी पूरी बनी है। वैसे साइज दिख रहा है आपको, आपको लगता है ये पूरी है, ये हमारे उधर छोले भटूरे हैं। तो अभी सुबह सुबह 2 पूरी और यहाँ पे खाने में है आलू की सब्जी, और साथ में ये 3 तरह के और सब्जियाँ हैं। सब्जी नहीं, ये है सफ़ेद चटनी, ये है प्याज और टमाटर की चटनी, ये रही सांबर, दी फेमस सांबर ऑफ साउथ। ये सब मिला के अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ और टेस्ट करके ऑब्वियसली आप सबको बताऊंगी। टेस्टिंग की टाइम। सफ़ेद आलू की चटनी सब्जी कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। सुबह के नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट। नेल्लई होटल, नेल्लई भवन होटल में, जो कि ठीक ऑपोजिट में ही है अग्नि तीर्थम के, वहाँ पे ये सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता करने जरूर आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो
मैं पहुंच गई हूं अपने रूम में, आई मीन अपने होटल में, और अब मैं आपको दिखाती हूं मेरा रूम कैसा है। तो ये देखिए, ये है रूम। आपको शायद ऐसा लगेगा कि अरे ये तो शुरू होते ही ख़त्म है। तो हाँ, रूम थोड़ा सा छोटा है बट बहुत ज़्यादा क्लीन है। और ये है एक डबल बेड, वहाँ एक छोटा सा टेबल है, और ये एक टीवी, साथ में एक छोटा सा मिरर, वॉश बेसिन, और बस इतना छोटा सा ही है। अच्छा हाँ, इसका जो वॉशरूम है वो भी बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं। और हर रोज़ सुबह एक दीदी आती है, वो झाड़ू लगा के जाती है, पोछा लगा के जाती है, एंड बेडशीट वगैरह सब बहुत सही है। मेरे ख्याल से होटल नया है। ये थोड़ा जो मंदिर है उससे कुछ 500 मीटर की दूरी में है। अभी इसका जो प्राइस है वो मुझे कुछ 700 पर डे का लगा है। ऑल्दो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये प्राइस है, ऑफलाइन अभी यहाँ पे 950 पर डे का प्राइस चल रहा है। ये पहली बार होगा जहाँ मुझे ऑफलाइन में ज़्यादा देना पड़ रहा है ऑनलाइन से। ये है मेरा होटल का बाहर का जो डेकोरेशन है वो, या फिर जो आप लॉन एरिया बोल लीजिए वो। और ये बहुत साफ़ सुथरा भी है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी है इसमें। और हाँ, अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं ना, तो यहाँ आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, ये फैसिलिटी भी यहाँ पे है। और होटल का नाम है होटल प्रेम, इट्स नाइस। अब निकलते हैं और मिलती हूँ आपसे अपने लोकेशन पे पहुँचने के बाद। वैसे तो होटल से बाहर निकलते ही और मंदिर के सामने में मुझे ना ये शेयरिंग गाड़ी मिल गई। अभी इस गाड़ी में 200 रुपीज़ पर पर्सन का फेयर है, और उससे हमें ये 5 जगह घुमाएंगे। वही 5 जगह वो धनुषकोड़ी, देन राम सेतु, देन द धनुषकोड़ी विलेज, उसके बाद विभीषण टेम्पल, और जहाँ पे एक वो पत्थर वगैरह फ्लोट करते हैं वो सब। एग्जैक्ट नाम और एग्जैक्ट जगह मुझे भी नहीं पता, और सबसे पहले कौन से जगह पे जाएंगे ये भी नहीं पता। तो जैसे जैसे हमारे ये गाड़ी वाले भैया हमें लेते जाएंगे और मैं आपको दिखाते जाऊँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अच्छा हाँ, धनुषकोड़ी जाने के लिए ना बसेस भी चलती है, जिसका नंबर है 2 नंबर की जो बस है वो यहाँ से धनुषकोड़ी भी जाती है। इसका फेयर मुझे अभी तक नहीं पता, तो मैं पता करके आप सबको ज़रूर बताऊँगी। चलिए अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के सारे प्लेसेस, घुमाते हैं। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो रामेश्वरम मंदिर से धनुषकोड़ी जाने का जो रास्ता है, आप कभी खाली उस रास्ते का नज़ारा देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और रूट के दोनों तरफ है 2 अलग अलग समुंदर, एक तरफ है इंडियन ओशन, दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल। एक का पानी बिल्कुल ही शांत है और दूसरे का पानी बिल्कुल चहल पहल और उछल कूद करता हुआ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये। तो मैं पहुंच गई हूँ अरिसल पुणे, सॉरी वंस अगेन अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। ये धनुषकोड़ी का जो एकदम एंड विलेज है इंडिया का वो है, और यहाँ से समुंदर की जो खूबसूरती दिख रही है ना, ओहो, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, यहाँ पे बसेस भी आए हुए हैं, कुछ प्राइवेट कार से भी आए हुए हैं, और जगह बहुत ही ज़्यादा एकदम क्राउडेड है यहाँ पे। और मेरे पीछे का जो नज़ारा है ना, उफ, आपको क्या बताएं, नज़र ही नहीं हट रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने का टाइम तो नहीं मिला है, लेकिन मन नहीं कर रहा है यहाँ से बिल्कुल भी जाने का। आई एम श्योर यहाँ आके आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये जगह बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत यूनिक प्लेस है ना। आप खुद सोचो, पूरा रास्ता यहाँ पे खाली, मानी कि 2 साइड में सिर्फ समुंदर है और बीच में से खाली रास्ता है और कुछ नहीं है, दोनों साइड में 2 डिफरेंट डिफरेंट समुंदर और बीच में खाली रोड। चलिए आपको बाकी सारी जगह भी घुमाती हूँ। Thank you.
पानी दिख रहा मैडम। सामने वाला पानी राइट साइड हिंदू महासागर, लेफ्ट साइड बे बंगाल। कन्याकुमारी में तीन पानी मिल रहे, धनुषकोडी में दो पानी। फिर पहले वाला मंडी दिख रहा ना, पहले वाला मंडी है रामर। कंफर्म बोला ना, अभी दिख रहा नहीं, अभी दिख रहा कंफर्म है। ओके ओके भैया, तो अभी मैं धनुषकोडी में हूँ जैसे कि मैंने आप सबको बताया, और वहाँ अंकल से भी आपको सारा कुछ पता चल गया होगा। आप जब भी यहाँ आइएगा ना, तो ये जो वाटर एंड इधर का भी पानी, ये सब देख के कंफ्यूज होने से बेटर है आप अंकल के पास चले जाएंगे, वो आपको टेलीस्कोप में सारा कुछ समझा देंगे। उनको हिंदी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, तो उन्होंने मुझे हिंदी में जो बताए। और अब मैं आपको मिलाती हूँ दो बहुत ही खूबसूरत, अच्छे भैया से जो हमारे साथ इस प्यारे से जर्नी में, एक तो हमें भैया जो लेके आए हैं, और एक है जो हमारे साथ, जिनके साथ हमारी मुलाकात हुई गाड़ी में भी। भैया का नाम सुंदरम दुबेराम, कहाँ से है? यूपी से। यूपी से। और ये है वो भैया, अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भैया मिर्जापुर से है भाई, गुड्डू भैया। और ये है वो भैया जिन जो हमें गाड़ी में लेके आए हैं यहाँ तक, इन्होंने हमें यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दी, कहाँ क्या है क्या नहीं है। आपका नाम? और आप यहीं से रहते हैं? यहीं के हैं, तमिलनाडु के हैं? तमिलनाडु, मदुरई। मदुरई के हैं? अपने अगले लोकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत लेट हो रहा है। तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, यहाँ एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। एक साइक्लोन ने जो 1964 में आया था, उसने किस तरह से इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, ये आती हूँ कि यहाँ क्या क्या था और वो कैसे पूरी तरह से एक खंडर में तब्दील हो गया। जहाँ आई हूँ, ये धनुषकोडी का एक पूरा का पूरा डेवलप्ड सिटी था, लेकिन एक साइक्लोन ने कैसे इस जगह को पूरा एक खंडर में बदल दिया, ये आप सबको मैं दिखाती हूँ। यहाँ 15,000 लोग एक झटके में, जिसे कहते हैं ना, एक साइक्लोन ने इस शहर को पूरा का पूरा एक खंडर बना दिया। कुछ 15,000 के आसपास लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे रेलवे स्टेशन थे, यहाँ पे गोडाउन थे रेलवे का, यहाँ पे एक चर्च था, स्कूल था, ये सारा कुछ। जैसे कि आपको मेरे सामने ये चर्च दिखेगा, ये कुछ रिमेनिंग बचा हुआ है यहाँ पे, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब कि जो खंडर टाइप चीज़ें यहाँ पे बची हुई है, तो यही सारी चीज़ें इस गांव में अभी आपको। तो अभी मैं आ गई हूँ विभीषण टेम्पल, इसका और एक नाम है, वो नाम तो मैं भूल रही हूँ अभी, बट ये विभीषण जी का टेम्पल है, और भारत का एक लौता विभीषण टेम्पल है। यहाँ पे जब राम जी अभी रावण की हत्या करके, रावण को मार के यहाँ पे आए रहे थे, तो उन्होंने विभीषण जी का पट्टाभिषेक किया था, उनको राजा बनाया था। तो उसी के बाद ये जगह पे एक विभीषण टेम्पल भी बनाया गया, और ये रही मेरे पीछे वो टेम्पल का एंट्रेंस, एंड ये रही टेम्पल, और यहाँ पे इस टेम्पल की पूरी हिस्ट्री बताई गई है। तो इसके बाद ना मैं आपको, पहले मैं दर्शन करके आती हूँ, और उसके बाद आपको ना मैं एक बहुत ही अनोखी चीज़ दिखाऊंगी। तो पहले दर्शन और उसके बाद आपको दिखाती हूँ एक बहुत अनोखी। तो मैं दर्शन करके आ गई हूँ, और अब मैं आपको बताती हूँ कि अंदर में जो मूर्ति है ना, वो एग्जैक्टली कैसी है। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही है वहाँ पे प्रभु की मूर्ति। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ विभीषण जी का पट्टाभिषेक हुआ था, और यही वो जगह है जहाँ से राम जी ने सेतु का निर्माण करना शुरू किया था, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो यही है। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ वो अनोखी चीज़, एंड जहाँ से वो सेतु बनी थी। तो चलिए अब चलते हैं उधर। सो मैं जिस अनोखी चीज़ के बारे में आप सबको बता रही थी, वो यही है। चलिए आपको दिखाती हूँ, मैं बहुत नज़दीक में हूँ उस चीज़ की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। तो यही है वो पत्थर,
ये जब मेरे सर के ऊपर रखा गया था ना तो ये बहुत भारी था। अब इनका कहना है कि ये पत्थर पानी में फ्लोट करता है और यही है वो अनोखी चीज जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो देखिए अभी यही जो पत्थर है ना उसे यहाँ डुबा के आपको दिखाया जाएगा कि कैसे वो पत्थर पानी में ना तैरता है। ये बाहर इधर तो नहीं बट यहाँ पे ना ये पानी गहरा है तो इसलिए इस पत्थर को यहाँ पे रखा जाएगा। मेरे वीडियो के थ्रू आप देखना कि कैसे वो पत्थर ना यहाँ पे पूरा तैरने लगेगा। तो इसी पत्थर से राम जी की सेना ने यहाँ पे सेतु बनाया था। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और आप सबसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में रामेश्वरम की बाकी के साइट सीन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखें और हाँ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड कमेंट करें।